गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करना है और गोलीय चालक की धारिता, सुनो ए बालिके ध्यान दीजिए, गोलीय चालक की धारिता कितना होता है वो फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये रहा एक गोला, ठीक, मान लीजिए ना गोला है, अरे हमको लग रहा है थोड़ा सा पचकल इधर से, लेकिन मान लीजिए ये गोला है और इसकी त्रिज्या मान लीजिए कितना है, आर है, इस पर प्लस क्यू चार्ज जो है समान रूप से फैला हुआ है, कोनो लाज इसमें लगा, प्लस क्यू आवे समान रूप से फैला हुआ है। हमें गोलीय चालक की धारिता निकालना है, और आप लोग जानते हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है, और यह वृद्धि दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। मान लीजिए किसी चालक को हम क्यू आवेश दिए और उसके विभव में वृद्धि भी हो गया, तो क्यू समानुपाती क्या होता है, भी, या क्यू बराबर क्या लिखेंगे, सी भी, जहां सी एक नियतांक है जिसे हम विद्युत धारिता करते हैं, ये तो पता ही होगा। हम इसी गोलीय चालक में सी निकालेंगे, तो सी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, क्यू बाय भी, तो क्यू क्या चीज है, आवेश है, अभी क्या होगा, इस चालक के लिए विभवांतर होगा, क्या होगा, विभवांतर। तो आप लोग जानते हैं अनंत में जो होता है विभव क्या होता है, शून्य होता है, अनंत में विभव क्या होता है, शून्य होता है, और इसके पृष्ठ पर विभव क्या होगा, तो इसके पृष्ठ पर विभव देखिए आवेश है क्यू, तो विभव क्या होगा, वी बराबर 1/4 πε0 q/r, त्रिज्या आर है तो आर, अब इस दोनों में विभवांतर कितना होगा, यहाँ पर आपको है ये, यहाँ पर है जीरो, अनंत में क्या है, जीरो, दोनों में विभवांतर क्या होगा, इसमें से जीरो घटा दो, यानी यही सॉलिटे रहेगा, बात समझ में आया कि नहीं, जो पृष्ठ पर विभव है वही अनंत और इसके बीच में विभवांतर, बात समझे नहीं, क्यों क्या चीज है, आवेश, अभी क्या चीज है, विभवांतर। अब इसलिए c बराबर क्या लिखिएगा बताइए, c बराबर q बटे v का मान 1/4 πε0 q बटे r, ये q कट गया, ये पलटी मारेगा ले पलांग ऊपर पलट दीजिए, c बराबर 4πε0 r, तो c का मान निकल गया 4πε0 r, यह तब होगा जब गोलीय चालक के चारों तरफ हवा है, क्या है, हवा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं हवा के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, एक होता है, लेकिन अन्य कोई मीडियम रहे, अन्य कोई माध्यम रहे, तब गोलीय चालक का जो है धारिता क्या होगा, तो हो जाएगा फॉर्मूला सी बराबर 4πε0 εr इंटू आर, समझ में आया बात, जहां एप्सिलॉन आर क्या चीज है, रिलेटिव परमिटिविटी है, आपेक्षिक परावैद्युतांक है, बात समझे, हो गया प्रूफ। गोलीय चालक की धारिता जो है वो कितना होता है, c = 4πε0 r वायु के लिए, अगर यही बात रहेगा अन्य कोई मीडियम के लिए तो c = 4πε0 εr × r, बात समझ में आया। तो यहाँ पर आप देखिए 4πε0 εr जो है एक अचर राशि है, क्या चीज है, तो अचर राशि है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, धारिता जो है वो किसके समानुपाती होता है, त्रिज्या के, नहीं है, तो धारिता किसके समानुपाती होता है, किसके लिए, वायु के लिए, का हो, किसके लिए, गोलीय चालक के लिए, वायु के लिए, पुलिस किंग है जी, तो किसके लिए ये धारिता समानुपाती है, गोलीय चालक की धारिता जो है किसके समानुपाती होता है, त्रिज्या के, तो दिमाग में रहेगा ना, समझाते फिर से इसको, कहां से समझाना, कहां से लिखाना पड़ेगा, जानते हो, अब देखो इसको तो हम ऐसे प्रैक्टिकल समझा दिए, थ्योरेटिकल कैसे लिखाएंगे, माना कि आर त्रिज्या गोलीय चालक है, क्या लिखेंगे, माना कि आर त्रिज्या कोई गोलीय चालक है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, हम जानते हैं, तू जानता है बात, हम जानते हैं सी बराबर क्या, क्यू बाय वी, आप लोग को विद्युत धारिता परिभाषा से लिखाई थी, उसी सी बराबर क्या था, क्यू बाय वी, अब ही क्या चीज है, विभवांतर, बहुत बच्चा खुश करते विभव, वी क्या चीज है, विभवांतर, तो कहां से कहां विभवांतर, एक तो पृष्ठ, दूसरा अनंत, दूसरा कहां है, अनंत, तो अनंत में विभव क्या होता, सुनना, अब पृष्ठ पर विभव देख लीजिए क्या हुआ, 1/4 πε0 r,
यहाँ पर विभव है 1/4 ε³ अनंत में क्या है शून्य, तो दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, तो 1/4 ε₀³ घटा 0 तो यही होगा जी, बात समझे। हमको निकालना क्या है सी, और सी का फॉर्मूला क्या था क्यू बाय वी, सी का फॉर्मूला क्यू बाय वी, तो क्यू बटा वी का मान ये लिख दिए, क्यू क्यू कट गया मार पलटनिया, तो सी बराबर 4 ε₀, बात समझ में आया। यह जो है किसके लिए हुआ, वायु के लिए, अगर अन्य कोई मीडियम रहेगा तो उसके लिए धारिता क्या होगा, सी बराबर 4 ε₀r। इससे क्या स्पष्ट होता है कि ये पूरे पूरे तो अचर राशि है नहीं है, अरे एप्सिलॉन आर क्या है आपेक्षिक परावर्तन, ये एक अचर राशि है। अब 4 ε₀ का मान जानते हो कितना होता है, बोले तो रुपये लियो, 4 ε₀ का मान होता है 1/9 × 10⁻¹, 1/9 × 10⁻¹। अब मात्रक क्या होगा जानिएगा, देखिए 4 ε₀, हम ये नहीं पूछे हैं आपको, 1/4 ε₀ नहीं पूछे हैं, अगर 1/4 ε₀ पूछते क्या लिखते, 9 × ⁻⁹ ⁻⁴ गुलाब के बाबा -2, लेकिन ये पलट के पूछे हैं तो 4 ε₀ का मान क्या होगा, 1/9 × 10⁻¹। मात्र देखिए उल्टा पुलटा लगाइए, ⁿ·1 ⁿ·2 गुलाम स्क्वायर, ये होगा मात्र, बात समझे। तो इसमें डराए ना ना डेट ले रे, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझाना पड़ेगा कि माइंड में आ गया क्या लिखिएगा। माना कि आर त्रिज्या कोई गोलीय चालक है जिसमें प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, हमें गोलीय चालक की रसूला क्या करनी है, हमें गोलीय चालक की बोला करो जी, गोलीय चालक की धायता याद करनी है, रसगुल्ला याद करो ठीक है। अब गोलीय चालक धायता सी, ऐसे धायता फॉर्मूला क्या, सी क्यू है ठीक है, क्यू है, क्यू क्या चीज है, क्यू है कुल आवेश, आवेश करने से बात स्पष्ट नहीं हुआ, क्यू क्या है कुल आवेश, क्यू है कुल आवेश, अभी क्या है विभवांतर, विभव मत बोलना ना, नंदा बात हो जाएगा ठीक है। तो क्यू है कुल आवेश भी है, सी बराबर क्यू है भी हो गया, अब क्यू हम तो आवेश जान रहे, इसके पृष्ठ पर आवेश कितना क्यू है, विभवांतर हमको नहीं पता, तो विभवांतर किसके किसके बीच लेंगे, तो पृष्ठ और अनंत के बीच, अनंत विभव क्या होता है सुनना होता है, अब पृष्ठ पर विभव निकाल लिए हम 1/4 ε₀³ से, समझ में आया यार, यही ये विभव हो गया पृष्ठ पर, अनंत विभव क्या होता है सुनना, तो दोनों के बीच विभवांतर क्या होगा, 1/4 ε₀³ r, क्लियर हुआ। विभवांतर यानी भी हमको मालूम हो गया, यानी जो पृष्ठ पर विभव है वही विभवांतर हो गया पृष्ठ और अनंत के बीच, क्लियर। इसलिए सी बराबर क्या था क्यू बाय वी, क्यू बटा वी का मान बैठा दिए, क्यू क्यू कट गया, पलटनिया मर्द हो गया ठीक है। छापने का प्रयास कीजिए, छाप लीजिए।